पूर्व मंत्री कवासी लखमा सोमवार सुबह केशकाल घाटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घाटी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्लानिंग किए घाटी को बंद कर दिया गया है। डाइवर्टेड सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब है, इससे जनता को परेशानी हो रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री लखमा ने केशकाल विधायक नीलकंठ टिकाम पर कमीशन लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन की ओर से तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं कवासी लखमा के बयान पर केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन उन्होंने घाट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए कोई पहल नहीं की है और अब हमारी सरकार घाटी में तेजी से काम कर रही है तो कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं और कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जिस रोड में 10 गाड़ी जा रहा था, बेपर बाजार गाड़ी जा रहा था, उस रोड में 16 गाड़ी जा रहा है। बड़े राजपूत काल क्या हो गया? ये सरकार क्या सोया हुआ सरकार है? ये सरकार का जनता को लूट के वोट लेके भ्रष्टाचारी कर रहा है। इसका लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी को ना कोई मेंटेनेंस का काम किया, ना ही उसके जीर्णोद्धार का काम किया और उसी के कारण पहली बार केशकाल घाट की स्थिति इतनी दयनीय हुई है और जिसको बहुत तेज गति से ठीक करने का काम अभी चल रहा है।